हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नाइक एंड वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। तो आज सलमान सर जो थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा, और एक दो पे नहीं पूरे घर वालों पे उनका गुस्सा था। सिर्फ चार लोगों को छोड़ के, मधुरिमा, बग्गा, आरती और माहिरा को छोड़ के, बाकी सब पे इतने भड़के हुए थे क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं बल का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं। वो सलमान सर ने खुद बाद में एक्सप्लेनेशन दिया है कि कहां कहां नहीं। हम बाकी टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले हम रश्मि के टॉपिक पे आएंगे। रश्मि को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी या काफी ज्यादा इश्यूज था बिग बॉस के ऊपर कि बिग बॉस कोई एक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ पे बल का प्रयोग हो रहा है, ऐसा वैसा। तो आज सलमान सर ने रश्मि को बातें करने लगाई, रश्मि ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बताई, बट सलमान सर बोलते हैं कि दिस इज लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। और फिर हम अरहान के टॉपिक पे अभी आएंगे, बाकी के प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। अरहान के ऊपर सलमान सर आते हैं, बोलते तुझे बाहर की बात करने का बड़ा शौक है ना, तो बता चला भी अपने बारे में बता। ही वॉज क्वाइट, ऐसे चोमू जैसा मुंह करके था वो, अंदर से उसकी फट गई थी और टोटली फट गई थी, बोला ही नहीं। सलमान सर ने दो बार पूछा फैमिली के बारे में बताओ, तो फैमिली के मम्मी डैडी ये वो है ये वो ऐसा वैसा बोला। सलमान सर ने बोला कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बोला, बोलो कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी, लिविंग रिलेशनशिप मैंने बताई, फिर रश्मि के साथ वो बताया ना मैंने तुझे बाहर ऐसे वैसे। खानदान के बारे में पूछा तो पागल इंसान, आपके खानदान में कौन है, तो बोलता है फैमिली, खानदान इक्वल्स टू फैमिली, इडियट, मजदूर। तो फिर उसके बाद है ना, आई नो यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, रश्मि को बोलते, तो इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अरहान बोलते कि पर्सनल बातें शो पे क्यों। सलमान सर ने वो इग्नोर करते हुए मैरिज और चाइल्ड के बारे में बात किया, तो फिर रश्मि बोलती नो ही नेवर स्पोक अबाउट किड, शी वॉज शॉक्ड। अरहान बोला कि ये मैंने बोला था ना रश्मि, अभी बोला था, रश्मि की मेमोरी इतनी कमजोर है कि वो भूल गया। सलमान बोलते व्हाट आर यू डूइंग हियर, इनके साथ बैठो क्लियर करो। रश्मि मैंने पूछा पर ये बोले नहीं कि उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अरहान बोल रहे थे कि मैंने बोला है, अभी बोल रहे थे कि गंदा पास था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आरती को काफी ज्यादा गुस्सा आता, आरती बोलती बेवकूफ बनाने की काम है वगैरह। ऑफ कोर्स मैम, किसको नहीं गुस्सा आएगा यार, रश्मि तो फिर भी काफी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस थी, उसको उसके साथ इतना बेवकूफ बनाने की बात हो गई तो नॉर्मल लड़कियों के साथ क्या होगा। सलमान बोलते क्लियर करो, क्योंकि अरहान बोलते कि आप सिर्फ एक साइड जानते हैं, आपको दूसरी साइड नहीं पता। तो सलमान सर फिर थोड़ा जैकेट वैकेट पहन लेते, पहले उन्होंने गुस्से में जैकेट निकाला, फिर वो बोला ठीक है मैं एक साइड जानता हूँ, आप क्लियर करो बाकी का। लोन के बारे में पूछा तो अरहान बोलता कौन सा लोन, किसका लोन, काय का लोन बे, मतलब ऐसे बात नहीं किया, काय का लोन। तो सीधा सलमान सर बोलते है कि मेरे साथ ना क्लियर करो, मैंने बाहर की बातें सुनी वो मैं सिर्फ आपको आके बोलता हूँ, उनके साथ क्लियर करो। अरहान बोलते मैंने कुछ नहीं छुपाया, कितने बार क्लियर करूँ मैं, कुछ इतनी बड़ी बात छुपाई और मुंह उठा के इंसान बोल रहा है मैंने कुछ नहीं छुपाया, लाइक सीरियसली मुझे समझ नहीं आता। रश्मि सीधा बोलती व्हाई डिडंट यू टेल मी, और लोन का क्या। तो सलमान सर का एक ही कहना था, आपने टीवी पे प्रपोज किया है इसलिए मैं ये टीवी पे बात करता हूँ। लाइफ में सबकी गर्लफ्रेंड थी, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम, रियाज, सबके सबके गर्लफ्रेंड्स थी, बट छुपाना नहीं चाहिए था, सबको एक बोल देते कि नो वन विल एवर ब्रिंग दिस अगेन। और उनका ये कहना था कि मुझे लगा रश्मि को सारी चीजें पता है, जैसे मैं बोलूंगा कि शादी तो वो बोलेगी हाँ आई नो, चाइल्ड आई नो, बट ये सारी बातें हुई तो फिर इट वॉज रियली शॉकिंग। रश्मि का चेहरा लाइक लिटरली देखने लायक था, शी वॉज शॉक लाइक एनीथिंग, शी वॉज हर्ट, डीपली हर्ट, और फिर लिटरली ऐसे नेशनल टेलीविजन पे और पता चला उसको, और ऊपर से कौन से सपने देख रखे थे, शादी वगैरह सारी चीजें, उसको तो ऐसे एकदम धक्का बैठा होगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ करके। और सच्चाई बता देनी चाहिए थी, चलो कुछ खराब पास होगा भी आपका तो बता देना चाहिए, बट आई डोंट बिलीव नाउ एक बार झूठ बोलने के बाद। सलमान सर आते बहुत गुस्से में होते ऑलरेडी, बोलते कि लेट्स गो थ्रू कंट्रोल रूम, आई होप मैं कंट्रोल कर लूँ, अपने आप को कंट्रोल करूँ। कंट्रोल रूम के थ्रू जाते हैं तो उनका ये वो पहले यही कहते हैं कि एवरी टाइम आई कम हियर इट्स अ पेन, मज़ा नहीं आ रहा है, आपके दूध पीते बच्चे नहीं हो, और मैं आपका रिश्तेदार नहीं हूँ कि मैं आपको हर बार आके बातें समझाऊँ, हर बार आके चीज़ें समझ, क्योंकि हर कोई इंसान ही मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम था कि पूरा हर कोई इंसान ही गलत हो रहा है, मतलब वीक खत्म होते होते एक आज के दिन हमें ये बड़ा सही लगा, इसने गलत किया वगैरह, दूसरे दिन वो भी गलत कर रहा है,
तो किसकी साइड ले किसकी साइड ना ले। फिर सलमान सर भी, रश्मि बोलती मुझे इस घर में एग्रेशन से प्रॉब्लम है। सीधा सलमान सर बोलते कि उन्होंने मेरा नहीं सुना तो आपकी क्या सुनेंगे। रश्मि बोलती बॉडी शेमिंग करते। देखो बॉडी शेमिंग की बात रश्मि कर रही है जिन्होंने होठ के ऊपर बातें की है, जो कि गलत था। ये सारी पॉइंट सलमान सर उनपे भी आते ही है। मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने उंगली के बाद बोला। जब मुझे पता चला मेरी उंगली टूटी तब मैंने बोला। ये लोग बार बार मेरे पर्सनल पे जाते, मेरा सामान चोरी करते। लाइक चोरी हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा है, चोरी दोनों ने की है और क्या क्या किया है। लिप किट तोड़ा है, वो जरा ज्यादा था। हर बार मैं चुप हो जाती हूँ, लोग मुझे धमकी देते हैं। अरहान को पूछते सलमान सर कि आप बाहर जाके आपको लगा कि ये नेगेटिव दिख रही है, इनका बॉडी शेमिंग हो रहा है। अरहान बोलते नो, वहीं पे आंसर मिल गया रश्मि को। ये हादसा कब हुआ उंगली वाला, रश्मि को पूछते। ये मैं टॉय लेके जा रही थी तब शनाज ने मेरा वो टॉवेल वाला टॉय ओढ़ लिया, तो वो टॉवेल का था। और मैं भी कल शॉक थी कि यार टॉवेल वाले से इसको फ्रैक्चर हो गया, इतना जोर से किया शहनाज ने। कल तक मैं दिमाग में आया ही नहीं था कि उसने वो कार्डबोर्ड वाले टास्क में उसने जो मुक्के मारे हैं, सलमान सर ने बोला है ना मुक्के तो इतने सारे मारे, जो मुक्के मारे हैं उसने। अरहान भी गया था फुल हीरो बनने उसका देख के मुक्के मारने, फिर उससे नहीं टूटा और उसने निकाल के पैर से तोड़ा। तो हाँ चांसेस है कि ये तभी फ्रैक्चर हुआ होगा 101%। और उसका ये कहना कि मुझे ये शेमिंग भी करते हैं, अम्मी बुलाते, जबकि मायरा का कहना था कि इसने मुझे बोला कि बच्चों के साथ लड़ेगी इनके साथ लड़ेगी, तब मैंने बोला आप बड़ी अम्मी बनने आई। और मायरा ने भी बहुत सारे बोला कि इसने मुझे चोर बोला, ये बोला, वो बोला। देखो दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा चीजें बोली है, बट सलमान सर के सामने इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा किया, जबकि आपने भी बहुत सारी चीजें की है, बैग खोल के चोरी किया है। सलमान सर बोलते हैं कि आपने भी तो उसका एक्सटेंशन, तो बोलते वो ऊपर पड़ा था इसलिए क्या। सलमान बोले मेरी गाड़ी खुली पड़ी है, जाओ चोरी जाओ लेके। ऑब्वियसली ऊपर पड़ी है या बैग के अंदर डाला है, चोरी तो चोरी होती है ना मैम। तो सलमान से बोले, रश्मि बोले मेरा मजाक था वो, तो मजाक में क्यों चोरी किया, मजाक नहीं था बोलती फिर बाद में। तो सलमान से बोलते आपने तो अभी बोला मजाक किया। फिर सलमान से बोलते आप उसको डॉल को माई नाम देके बोलते, रस्ते का बच्चा है, गटर का है, पानी में मर गया, मजाक था ये सब। हाउ कैन यू स्पीक लाइक दैट, रश्मि को बोलते हैं। ऑब्वियसली रश्मि से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। शहनाज पे आते, शहनाज बोलती कि मुझे राखी आंटी बुलाते हैं। बीच में भाऊ इतने छिड़े हुए क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सिद्धार्थ शुक्ला पे भी उनका जो गुस्सा है ना, मुझे वो जायज लग ही नहीं रहा है। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, वो इतना वो सिद्धार्थ शुक्ला को पकड़ के बैठे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को पॉइंट कर रहे हैं, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। विशाल का भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, विशाल ही खुद जाके पॉइंट कर रहा है। वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला बीमार बैठे थे ना तो भी हाँ वो वाला भी आपने अगर देखा होगा, और स्मोकिंग एरिया वाला भी मैंने देखा था, उसको टॉन्ट मार रहा है। अरे बीमार है यार, छोड़ दो, थकेला है तू। ये भाव ने भी आज बोला तू थकेला है, तेरे से क्या घिरा हुआ है वगैरह वगैरह। जब आप बोलते हो तो आप ले भी लो ना। सलमान से बोलते तो भाऊ आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, सोच समझ के बोलना। भाऊ बोलते कि ये रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसी बात करती है, बुरी बात करती है। बेटा जैसे मैंने बोला बेटा ऐसे बात मत कर, जबकि भाऊ कल वही जैसे ही आए थे वो गुस्से में ही थे, और गुस्से में ही उन्होंने सना को आंटी आंटी मतलब बाद में बोला ये कर रही थी तब, बट पहले ही गुस्से में ही थे वो ऑलरेडी। ऊपर से बात भाऊ की एक हद तक इज्जत दिया जाता है, एक बार औकात दिखाना पड़ता है कटरी, फिर एक बार औकात दिखा। देखो आप नेशनल टेलीविजन पे हो, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। बोलते राखी सावंत तो ऐसी बात नहीं करेगी, सॉरी कटरीना तो ऐसी बात नहीं करेगी, ये राखी सावंत ही है और ये खुद ही बोली मैं राखी सावंत है। तो वो रोने लगी शहनाज की, मैंने कब बोला मैं राखी सावंत हूँ। वो तब मेरे को लगता है रश्मि के साथ बोला तो बोली हाँ हूँ मैं राखी सावंत, तो क्या तब वाली बात वो बोल रहे शायद। भाऊ बोलते आज रो रही है ना, ये ऐसे नहीं है, नाटक है वगैरह। फिर मेरे को लगता है सिद्धार्थ शुक्ला तब ऐसा कुछ कर रहे थे, तो वो बोलता है तू हूँ मत कर, गिरा हुआ है तू, थकेला है तू, मतलब इतना गुस्सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोलता ये तो लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता सिद्धार्थ शुक्ला, पैनिक अटैक आरती को सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से आया था, जबकि पारस ने इतनी सारी बातें बोली थी आरती को, सिद्धार्थ शुक्ला ने बस बीच में नहीं आया इसलिए उसको पैनिक अटैक आया। फिर शुक्ला भी बोलता है तूने भी तो टिश्यू पेपर फेंका था, तूने भी तो गू खाता है। बोला विशाल बोला जिस तरह सिद्धार्थ शुक्ला बात करते हैं ना ये तो होता ही रहता है। सलमान सर बोलते मेरे साथ होता ना तो मैं नहीं सहन करता, पर तुम ही तो जाते हो उसके पास, तुम बार बार उसके पास क्यों जाते बोल, तुम मुंह मत लगो। तो बोलते ये नहीं छोड़ते, ये बार बार आ जाते पीछे। तो
सब लोग बोलने लगे फिर बाद में, ये आजू बाजू से जाएगा खुद ही बोलेगा, फिर सलमान बोलेंगे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम बिकॉज मैंने उसको हर तरीके से समझा के देखा है, हर तरीके से गुस्से में हंस के वगैरह, बट वो कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिर सना बोलती है यही जाते हैं उसके पास, इनको लगता है कि उनका लेवल बस उधर ही है लड़ने का, उकसाते है उसको। विशाल तो जानबूझ के जाता है, मैंने खुद देखा है विशाल जानबूझ के जाता है, बट रश्मि बोलती है झूठ बोलती है ये, बट नहीं विशाल को मैंने देखा है खुद जाते हुए, खुद ही गया है वो। और यहाँ पे भाव का भी झगड़ा कभी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ था ही नहीं, और भाव बोल रहे, भाव के मुंह से ऐसे आना मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मायरा बोलती विशाल हर किसी के मैटर में जाता है, जो कि मुझे भी सही लगता है। सलमान भी बोलते ऐसे करता है विशाल। सना बोलती है एग्रेशन है, हाइपर होते हैं, पर ये लोग ही करते हैं हाइपर पर्सनल करके। अगर आपके यहाँ पे आके कोई बात करे, यहाँ पे आके कोई ऐसा मुंह बनाए, ऐसे अजीब हरकत करे, तो एग्रेशन होता है। भाव को खुद को बोला तो दुख लगता है। सलमान राखी आंटी कौन है भाव को पूछता है, भाव बोलते है ऐसे ही नाम रखा। फिर बाद में राखी सावंत इसने बोला, पहले भाव राखी सावंत बोलता है, फिर बाद में बोला आपने राखी सावंत बोला, नहीं मैंने राखी सावंत नहीं बोला, किसने बोला। फिर ऑडियंस हंसती है, तब सलमान सर गुस्से में, ऑडियंस शांत। रश्मि और कुछ, और रश्मि बोलते जा रही है झूठ बोलती है। सना किसी और की बात हो तो ये बीच में आ जाती है, कल भी बोली थी जानबूझकर फिजिकल हुई टास्क में, फिजिकल टास्क के बाहर था ये फिजिकल, मारकर काम करवाना वाला जो सिद्धार्थ शुक्ला का टॉपिक था वो निकाला उसने। शुक्ला बोले कि ये बोला कि मैं काम नहीं करूंगा जो करना है, कोई दंड वंड कुछ नहीं करूंगा मैं। तब सिद्धार्थ शुक्ला बोला अगर मैं मारने का अगर ये होता तो मैं बराबर काम करवा के लेता, तो ये सच बात है सिद्धार्थ शुक्ला ने बोली हुई ये है। विशाल बोल रहा है जो बोल रहा है वो झूठे, बट नहीं ऐसा हुआ है, सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला था कि दंड दूंगा, तब ये बोला चल जो करना है कर तब। तो फिर आराम बोलते है कि सलमान सर हमने इतना चोट खा खा के टास्क किया। सर किसने बोला चोट खाने के लिए, किसने बोला, एक दिन में 6 एक्सरे हुए और 2 फ्रैक्चर, इडियट्स बोला। शुक्ला इंजेक्शन लेके टास्क कर रहा है, आसिम पेन किलर लेके टास्क कर रहा है, पागल हो गए तुम लोग। और संचालक पारस तो और भी मतलब रद्द ही कर देता है वो। फिर टास्क खेलते हो, रश्मि ने ये सारी चीजें तोड़ी कार्डबोर्ड, टास्क खेलते हो, ताकत दिखा रहे हो, हर कोई है इसमें। मेरे को तो आज सलमान से पता चला कि एक दो नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला आसिम ये लोग नहीं, कितने लोगों ने क्या क्या कहाँ कहाँ धक्का मुक्की दी है यहाँ पे समझ में आ रहा है। पूरा घर उसके पीछे पड़ जा, दिखाओ ना पूरा घर, सही बोला। तो फिर वो तो पागल हो जाता है ना, पूरा घर पीछे पड़ता है। इसलिए रश्मि के ऊपर फिर आते हैं, फिर वो लीस्ट प्रॉब्लम अरहान वाली बातें सलमान सर उसके सामने रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर सलमान से बोलते अगर मैं कलर्स होता ना तो मैं ये सब करता, सबकी इज्जत है यहाँ पे, तुम सब लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, इन बिग बॉस हिस्ट्री दरवाजा खोल चुके थे। रश्मि आप क्या चाहते हो कि शहनाज बाहर हो जाए, रश्मि बोलती शहनाज का सरदार यहाँ पे बैठा, मतलब लिटरली आपको ये कहना है कि शहनाज नहीं उसको निकाल दो, सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसा हो गया। पैक योर बैग्स बोलते सलमान सर, शहनाज पैक योर बैग, क्योंकि वो डॉल खींची उस वजह से आसिम को, क्योंकि आरती को भी इंजरी हुई है खींचा तानी में, वो भी टास्क के बाहर था। सलमान सर बोल रहे मतलब वहां पे भी बल का प्रयोग हुआ है, सिड ने तो धक्का दिया ही है, वो सिड का ही दिख के आ रहा है, बाकी लोगों का हमें कभी दिखा नहीं इतने दिनों में। अरहान ने बकेट वकेट फेंकी और आसिम को काफी ज्यादा लगा है वो टास्क में। जरीवाला ने थप्पड़ मारा ऐसे शहनाज का कहना था, जरीवाला का तो मुझे नहीं पता इतना कुछ। विशाल ने देवोलीना को 360 डिग्री घुमाया बल का प्रयोग। हिमांशी ने भी धक्का दिया था, रश्मि ने भी धक्का दिया है कल के इसमें, जब शहनाज डॉल खींचती है तो वो उसको इतने मतलब इतने एग्रेशन के साथ वो उसके ऊपर जाती है ना, और ये बात कर रही है एग्रेशन की कि इस घर में मुझे सेफ नहीं फील होता। भाव ने भी धक्का दिया नॉन अवेलेबल केस के बारे में बात, लाइक लिटरली भाव कल ये सब बातें रश्मि को बता रहे थे, नॉन अवेलेबल केस वगैरह ये सारी चीजें, लाइक इतना डबल लेवल का खुन्नस पकड़ के बैठे है दो टीम लोग, केस वेस की बातें कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हो ना टास्क के बाहर जो हुआ है दैट इज नॉट अलाउड, तो फिर ये सारी चीजें तो हो ही गई है, कर दो, दिस इज नॉट टीवी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ टीवी लाइक दिस। क्योंकि इन लोगों ने इतना तंग करके रखा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, हर एक जन एक से एक है।
रानी मुखर्जी आती है, बहुत अच्छा होता है। रेप केस, निर्भया केस के बारे में भी बात होता है। मैंने ट्रेलर देखा है मर्दानगी और मर्दानी सॉरी, और उस पर मैंने रिएक्शन वीडियोस भी बनाए हैं, तो मुझे काफ़ी मतलब पता है, मैंने वो रिएक्शन वीडियो में मेरे आंसू रोकने की कोशिश की मैंने, क्योंकि वो रेप का था ना, तो काफ़ी मैं इमोशनल हो गई। उन्होंने बोला सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करता है, तो ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए। बग्गा आके सीड को समझाती है, आप गुस्सा करते हो, आप सॉरी बोल के छोड़ दो, आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, बट हाँ सिद्धार्थ ने भी छोड़ना चाहिए। और उसको भी ये लोग पर्सनल जाने ही वाले हैं, मैं बता रही हूँ, ये लोग कोई समझे नहीं है सलमान सर की बातें, सलमान जो कहना चाहते हैं ना, इनमें से कोई नहीं समझा है। सिड बोला कि मैं अभी इसके बाद नहीं बोलूँगा, मत करिए, ऐसे वैसे सब कुछ हो गया, दरवाज़ा खुल गया है। रश्मि बोलती मैं चली जाती हूँ, बट जाती नहीं है रश्मि। भाव एक्चुअल में बैकपैक करते हैं, भाव का जो बिहेवियर है, इज्जत दे रहा हो लेने का, इज्जत उतारने आता है, ये जो बातें हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वो नींद से उठाने आने की बात पे ये राखी आंटी और ये बहुत अलग लेवल, फिर एक दूसरे की ये मिमिक्री करके जो भी सिनेरियो क्रिएट किया था वो काफ़ी ज़्यादा खराब था कल का। धक्कम दुक्की की बात करें तो फिर कोई भी नहीं है पीछे, नाम तो मैंने पढ़ लिए कितने सारे थे। और चलो छोड़ो हिमांशी वगैरह का छोड़ दो, चलो वो पिछले वीक का था शायद ना, पिछले के पिछले वीक का, बट बाकी लोगों का क्या, ये लोग सब लोग ही तो धक्का देते आए। सिद्धार्थ शुक्ला का दिख क्या है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था। फिर किसी को नहीं छोड़ा है, सलमान सर इज सो एंग्री एंड आई होप कि ये कंटेस्टेंट ज़रा दिल पे लेके इस पर वर्कआउट करे, क्योंकि ये ऐसे ही मतलब काम नहीं होगा, इस पर वापस आएंगे सलमान सर, लाइक ही इज सो टायर्ड विद दिस कंटेस्टेंट। वो लिटरली उनके फेस पे दिख रहा है कि वो इतने ज़्यादा थक चुके कि मेरे को इनसे ना लेना ना देना। तो अगर इस पे हर एक जन काम करे, कोई भी एक दूध का दुलानी है, कोई भी एक बहुत अच्छा मतलब ये कर रहा है ऐसा नहीं है, बस कोई झूठ बोल रहा है कोई सच बोल रहा है, उसी में डिफरेंस है। तो एग्रेशन तो है इस सीजन का सबसे मेन पावरफुल टूल जो है, वो हम बोल सकते हैं कि एग्रेशन ही है। तो बाबा आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था, कल तो सलमान सर घर के अंदर जाएंगे, रश्मि और आरान के रिश्ते सुधारने जा रहे हैं या क्या, आई डोंट नो, बट नो वन शुड फोर्स रश्मि, इट्स हर डिसीजन, जो सोचना है सोचे, जो करना है करे, क्योंकि दिस इज समथिंग फ्रॉड, यू से फ्रॉड हुआ है घर के अंदर या रश्मि के साथ। तो रश्मि विल टेक अ कॉल, हम कौन है बोलने वाले। आई होप मैंने कोई पॉइंट मिस आउट नहीं किया हो। तो मैं आती हूँ रोज बिग बॉस रिव्यू वीडियो के साथ, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परतनी आलेज, हाँ बाय।